बुलडोजर चलाना बहुत आसान है लेकिन ये मसले का हल है और ना ही ऐसा करना मुमकिन है। गरीबों को बेघर करने से पहले उन्हें कोई मुतबादिल रिहाइश देना होगी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वाजे कर दिया। कहते हैं मेयर कराची वसीम अख्तर से कोई इख्तलाफ नहीं, चीफ जस्टिस की दिलचस्पी की वजह से कराची के खराब मामलात ठीक होते दिखाई देते हैं। जो आबादियां हैं, गरीब लोगों की आबादियां हैं जो यहाँ पे बस गए हैं, उनको फौरी तौर से अल्टरनेट जगह प्रोवाइड करनी चाहिए। लोगों को बाहर बेघर खड़ा कर देना, बुलडोजर चला देना गरीब के घर के ऊपर बहुत आसान काम है, लेकिन वहाँ पे हमें एहसास करना चाहिए और एहसास है हमें भी और अदालतों को भी कि वहाँ पर इंसान बसते हैं। हमारी भरपूर कोशिश वफाक की भी और सूबाई हुकूमत की भी वो यही है कि उन लोगों को फौरी तौर से बिला ताखीर कोई अल्टरनेट जगह प्रोवाइड की जाए। मुझे उम्मीद है कि इससे कराची के जो मामलात बिगड़े थे वो बेहतर हो जाए। जो मेयर कराची की आपने बात की वो बिल्कुल नाराज नहीं है। मेयर कराची से मेरी हर दूसरे तीसरे दिन मुलाकात होती है, प्रोजेक्ट्स पे डिटेल बातचीत होती है। उनकी जो फंडिंग थी 6 अरब रुपए मेयर कराची कॉस्मोपोलिटन के लिए मुख्तस किए गए हैं और 1 अरब रुपए हैदराबाद म्यूनसिपलिटी के लिए मुख्तस किए गए हैं।